लेडीज फर्स्ट के ऊपर जो है ना झगड़ा बहुत ज्यादा बढ़ गया है आमिर साहब। भाई ये जो है मर्दों की लड़ाइयां तो टिकटों की चल ही रही हैं, मगर ये क्योंकि ये मखसूस कोटा जो औरतों का होता है, ये 60 सीटें होती हैं, 300 अब जो है 36 रह गई हैं, उसमें से 60 सीटें जो हैं वो नेशनल असम्बली की औरतों की हैं, और जिसमें से 35 जो हैं पंजाब की। सो 35 सीटें पंजाब की, जिसके लिए तमाम पंजाब की पार्टियां, नून लीग क्योंकि उनका ज़्यादा जोर पंजाब में ही रह गया हुआ है, तो 35 सीटें नेशनल असम्बली की, और पंजाब असम्बली की जो औरतों की सीटें हैं वो 66 सीटें हैं। तो ये 100 सीटें हैं। इसके लिए अब ये फैसले करने हैं कि जनाब किसको टिकट दी जाएगी। इस पे तमाम ही पार्टी की तरफ से, पीपल्स पार्टी का रिकॉर्ड थोड़ा सा बेहतर है कि कोई माजी इतना दरख्शा नहीं रहा गया। ये कोटा इसलिए रखे जाते हैं कि इसको के ताकि औरतों को एम्पावरमेंट करने के लिए आम उसके अंदर इतने उम्मीदवार नहीं आते, तो ये अफर्मेटिव एक्शन इसको अंग्रेजी में कहा जाता है कि उनको कोटे के जरिए लाया जाए। मगर आइडिया ये होता है कि इन ड्यू टाइम 10-20 साल में औरतें इसकी वजह से फील्ड में आएंगी, पॉलिसी के अंदर अपना हिस्सा डालेंगी, और वो फिर डायरेक्ट इलेक्शंस में भी आना शुरू हो जाएंगी। जो कि ये मुशर्रफ के ज़माने से कोटा बढ़ा हुआ है, तो ये कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ा। उसकी बुनियादी वजह ये रही है कि यहाँ मामियाँ चाचियाँ नानियाँ जो है ना वो इस पर गादी जाती हैं, नहीं नानियों और की तरफ ना जाए, फुफियों तक रह ले नहीं आप, नानियां फुफियाँ बहुत आगे नानियाँ वाली, भी नानियाँ भी नानियां भी मौजूद हैं। जो एक दो इस तरह की भी खवातीन थी जो बेचारी चल ही नहीं सकती थी, स्ट्रेचर पे लाई जाती थी या आर्म चेयर पे आती थी, जो कि बिल्कुल भी 5-5 साल में आधी से ज्यादा खवातीन है जो एक जुमला भी उन्होंने कभी किसी नहीं कहा, कमेटी में या पार्लियामेंट के अंदर नहीं कहा। ये आधी से ज्यादा वो खवातीन आधी हैं, तो स्वेटर बुन रही और होती है नू असेंबली में कई बैठ के स्वेटर बुन माजर रही के होती साथ हैं, वगैरह। कई चैट करती रहती हैं। तो उसमें जो नून लीग का खास तौर पे कोई इतना माजी दरख्शा नहीं रहा हुआ कि उसके अंदर रिश्तेदार, दोस्तों की बीवियां, फैशन डिजाइनर, यहाँ तक के घर के मुलाजमीन भी जो हैं उनको भी ये टिकटें दी गई हुई हैं। तो जाहिर है इसके लिए कुछ जेन्युइन वर्कर होती हैं, कुछ बहुत मेहनत करती हैं, वो उनकी एक एक्सपेक्टेशन होती है कि ऐसे मौके पे उनको एडजस्ट किया जाए। सो इस दफ़ा जो है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा जोर था, तो नून लीग के अंदर ये कोशिश की गई कि इसको हेड कर रहे हैं। इस दफ़ा उसका तरीक़ाकार बदल गया। पहले ये जो चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम बीबी के जुम्मे था कि औरतों की सीटें शायद उन्होंने डिसाइड करनी है, तो इस दफ़ा जो है उनसे ये इख्तियार जो है ले लिया गया है, और ये बोर्ड के सामने जो है ना ये नाम पेश हुए हैं, और बोर्ड के अंदर मियाँ नवाज शरीफ साहब भी हैं और शहबाज शरीफ साहब भी हैं और मरियम बीबी भी हैं। तो वहाँ पे ये भी एक सिलसिला था कि पहले एक एक बेताशा तो जो जेन्युइन वर्कर्स उनको मिली नहीं, मगर जब दीने भी आते थे जिनको जिनको मिलती थी, तो एक ही खान, फॉर एग्जाम्पल ख्वाजा आसिफ साहब जो हैं, उनकी जो बेगम साहब है मुसर्रत आसिफ ख्वाजा, उनको भी मिली, और उनकी जो भतीजी हैं वो शिजा फातिमा ख्वाजा, उनको भी मिली। उस तरह फिर भांजी मरियम भांजी औरंगजेब हैं। हैं, उनकी वालदा जो हैं तायरा औरंगजेब, दो दो एक एक घर में दो दो तीन तीन सीटें भी जाती रही। तो इस दफ़ा जो ये एक आज वहाँ पे बड़ी तंजिया और सख्त गुफ्तगू हो गई, तो क्योंकि मरियम के बीबी इसके हटने से ये है कि पहले ही एक शिकायत आ रही थी कि उनके पूरे क्लब को फारिग कॉर्नर किया जा रहा है। मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने खास तौर पे, जनाब तलाल चौधरी साहब को, दानियाल चौधरी पे भी इस तरह के मसाइल किए जा रहे हैं, जुबैर साहब पहले ही फारिग कर दिए गए हैं, तो अभी उनकी जो वहाँ पे क्लोज हैं। तो मेरी ज़रूर एक ख्वाहिश है कि मेरा ख्याल है हिना परवेज़ साहबा जो है ना, हिना परवेज़ भट्ट साहबा, उनको ज़रूर मिलनी आपकी ख्वाहिश चाहिए। मुकदम है, मगर आमिर साहब आपने कहा मेहनती खवातीन को, वो बहुत मेहनती नहीं, हैं, वो काम करती हैं, उनको तो टिकट मिलना ही मैं आप मिलना है। देखें मेरे चेहरे पे कोई मुस्कुराहट नहीं है, मैं बिल्कुल तंजिया नहीं कह रहा। मैं भी सच कह रही जितना हूँ, उन्होंने, मेरा ख्याल है नवाज शरीफ से ज़्यादा उन्होंने जो काम किया है कोई। तोरखम से लेके आप देखें कराची तक वो ट्रेवल करती हैं, फिर उसके बाद हर जलसे में पहुंची होती हैं, और वो एक पोस्टर गर्ल हैं नून लीग की, और मैंने उनका बाकी ये क्लब फारिग करते करते मरियम बीबी का, उनको मैं बड़ी संजीदा मेरी गुजारिश है कि मुझे बड़ी तकलीफ होगी अगर उनको भी फारिग कर दिया गया, हाँ वो मेहनती तो खातून वो है। हैं।
तो उसके लिए अब ये है कि शहबाज शरीफ साहब ने वहाँ पे दो तीन वाक्य मैं बता देता हूँ। एक तो शहबाज शरीफ साहब ने कहा, उन्होंने कहा जी मैं मियाँ साहब आप क्योंकि बाहर रहे हैं तो मैं बताना चाहता हूँ कि मुश्किल दौर के अंदर मेरी दो नाम खास तौर पे मैं लेना चाहूँगा जो इन्होंने बहुत आउटस्टैंडिंग उनका रोल था तो उनको टिकट ज़रूर देनी है। एक उन्होंने ख्वाजा आसिफ साहब की भतीजी जो हैं शिजा फातिमा ख्वाजा, उन्होंने कहा जी उनके लिए मैं सिफारिश करना चाहूँगा। आमिर साहब ये उनकी जी 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 भांजी हैं, मेरा ख्याल उनके कज़न जो हैं ख्वाजा साहब के, ख्वाजा नईम साहब जो मुझे है उनकी शायद ये साहबजादी हैं, बहर आई कैन बी रॉन्ग। तो रुमीना खुर्शीद आलम गुजरांवाला से हैं, ये दो नाम उन्होंने लिए कि इनके मुतलिक ज़रूर करें। फिर वहाँ एक ये भी था कि यहाँ पे एक्सपेक्टेशन उम्मीद है पुराने वर्कर, यहाँ पे एक तो चल रहा है ना ख़ानदान में एक मरियम का ग्रुप है, नवाज शरीफ का ग्रुप है और एक शहबाज शरीफ का ग्रुप है, फिर और भी वो कड़ियों से कड़ियाँ मिलती हैं। फिर यहाँ नए और पुराने वर्कर्स का भी है कि तमीना दौलताना फॉर एग्ज़ाम्पल वहाँ पर आज खड़ी हो गई तो उसमें मरियम बीबी ने उनसे कहा कि उन्होंने इजाज़त मांगी बोलने की तो मरियम बीबी ने कहा आप अपने हलके की बात ना नहीं करेंगी क्योंकि उनकी हलके के हवाले से भी सीट के ही एक फड्डा चल रहा है। तो उन्होंने कहा जी मेरी बड़ी कुर्बानियां हैं और मैं जो है मेरी गवाही देंगे। शहबाज शरीफ साहब ने एक्नॉलेज किया, उन्होंने कहा जी बिल्कुल ये पुरानी वर्कर हैं और किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं, इनकी बड़ी कुर्बानियाँ हैं। तो उन्होंने मियाँ नवाज शरीफ साहब भी कहा कि आप भी मेरी, मैं कुलसूम बीबी के क्लब में थी तो मेरा सही तारुफ वो है तो आप भी मेरा साथ देंगे। तो नवाज शरीफ साहब ने कहा कि मैं यहाँ बोलने के लिए नहीं बैठा, मैंने फैसला करना है। सो ये अभी नाम डिसाइड होने हैं कि ये बड़े के देखना है इस दफ़ा कि काफ़ी दफ़ा जो ये जो मामियाँ चाचियाँ आ जाती हैं ख़ानदान से इस दफ़ा कितना मेरिट पे किया जाता है। यही हाल पीपल्स पार्टी का भी है, पीपल्स पार्टी में रिलेटिवली उनके यहाँ वर्कर्स को ज़्यादा एडजस्ट किया जाता है, उनकी शिकायत सबसे कम है, सबसे उमदा रिकॉर्ड मैं समझता हूँ पीपल्स पार्टी का इस मखसूस कोटों के हवाले से रहा हुआ है। पीटीआई का भी कोई रोल इतना दरख्शा नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह वो एक ही डीएचए के इलाके से तकरीबन जो पंजाब के अंदर ख़ास तौर पर वो कोई 25-30 के करीब एक ही इलाके से ले ली गई थी और अल्हम्दुलिल्लाह उनमें से मुनरफ अफराद में सबसे पहले उन्हीं मखसूस कोटे वालों ने डीलें मारी, पैसे कमाए और छोड़ के चली गई। तो इस दफ़ा देखेंगे पीटीआई ने सबक सीखा है कि उनके यहाँ भी ये मामियाँ चाचियाँ आती हैं कि नहीं आती हैं। सो एक तो ये खवातीन अच्छा, वाला है। कुछ भी और भी ऐड करने दे, तहमीना दौलताना साहिबा की आपने बात की, आमिर साहब ये अपने दो बेटे जो हैं ये सामने ला चुकी है, एक को वो नेशनल असम्बली के लिए टिकट मांग रही हैं, एक को एमपीए के लिए, और तहमीना साहिबा की जो अपनी लड़ाई है वो रिजर्व नशिस्त के लिए, मखसूस नशिस्त के लिए, वो पूरा खानदान ही जो है वो लेकर आना चाह रही है नून लीग के टिकट पर और नून लीग के लिए लेकर आना चाह रही है, पूरे बंदे उन्होंने फैमिली के वहां पर एडजस्ट करने। वो जाहिर है हर एक की यहाँ पे हर एक पूरा पूरा टांगा लेके आते हैं, वो अकेली नहीं है, अकेली नहीं है और उनकी बड़ी पार्टी के लिए खिदमात रही हुई है, उनसे कई लोग हैं जो जिनकी वो कुर्बानियां नहीं हैं मगर उनके तीन तीन लोग जो हैं, मरहूम परवेज मलिक साहब फॉर एग्जांपल उनके बेटे को भी एडजस्ट किया, उनकी बेगम साहबा को किया गया, फातमी साहब की बेगम साहबा उनका ज़िंदगी में सियासत से कभी कोई ताल्लुक नहीं रहा था मगर क्योंकि उनको भी एडजस्ट किया गया। सो इस तरह की एक लंबी लिस्ट है बेगमात की, रिश्तेदारों की, तो उनको किया जा रहा है। तो तमीना के मेरा ख्याल है हक बनता है कि वो मखसूस कोटे में ख़ास तौर पर अपने लिए मांगे। अच्छा। तो उनका बिल्कुल हक बनता है, बेटों का उनका कॉन्स्टिट्यूएंसी में वो लगातार वो खुद भी और उनके बच्चे भी हारते रहे हैं। सुबह मेरा ख्याल उसके लिए मल्टीपल फैक्टर जो कि नून लीग को देखते अच्छा हैं। ये भी ऐड कर देते हैं कि नून लीग के पास जो नेशनल असेंबली के लिए मखसूस नशिस्तों के लिए खवातीन ने दरख्वास्तें दी हैं एमएनए के लिए वो 67 है और जो एमपीए के लिए मखसूस नशिस्तों के लिए दरख्वास्तें नून लीग को मौसूल हुई हैं वो 225 के करीब है। इतनी बड़ी तादाद में खवातीन